डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन स्टडी ग्रुप ऑफ आरपीएससी द्रावली। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर ओवर सेकंड पार्ट ऑफ अवर टॉपिक काउंटिंग फिगर्स, एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट हियर, जस्ट काउंट द ट्रायंगल दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन स्क्वायर। Students, you can easily count that 1 and 2. Here you can see that the two triangles are present in this square. So here the answer is 2. This is only this basic question. Now the next question is, here you can see that 1, 2, 3, 4, 4 triangles. After that, 1 plus 2 ke combination se triangle ban rahi hai, 5 triangle. 4 plus 3 triangle ke combination se triangle ban gayi, 6th triangle. And 1 plus 4 के combination से triangle बन गई 7th triangle, 2 and 3 के combination से triangle बन गई 8th triangle, total 8 triangles यहाँ पे बनी हुई हैं, it is the answer। अब students इस पे चलते हैं, यहाँ पे भी हम triangles form करेंगे, तो यहाँ पे देखो students, ये easy हमारे questions है जिसमें हम count कर सकते हैं कि that how many triangles form in the square और rectangle यहाँ पे बने हुए जो, बट इन क्वेश्चंस में आप जैसे काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है काउंट करने में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हम सॉर्ट मेथड्स पे ही सीख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम सॉर्ट मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉर्ट ट्रिक जो बनने वाली है वो क्या है स्टूडेंट, जब भी किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर आप डायगनली ज्वाइन करते हो, आफ्टर दैट एक और डायगनल यहाँ पे आ जाता है, अनदर डायगनल, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितने भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे, मोर देन वन, जैसे कि यहाँ पे लाइन आ जाती है, तो आप जो लाइंस ड्रॉ करते हो उससे बनने वाले पोर्शंस पार्ट्स को आप देखोगे। यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और जितने भी पार्ट बनते हैं, जो भी पोर्शन बनेंगे उनको 6 × 2, दैट मीन आंसर आ गया यहाँ पे 12। यहाँ पे कितने थे, 1, 2, 3, 4, 4 × 2, आंसर आ गया हमारे पास 8। एंड यहाँ पे पार्ट्स कितने थे हमारे पास, 1 and 2, बट यहाँ पे आप देखोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो रूल मैंने बताया ये तो बेसिक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे रूल लगेगा कि जब भी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अलोंग डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में अदर भी कोई लाइन जाएगी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अलोंग हमारे पास जो भी पार्ट बनेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिल जाएंगे। ये बेसिक है, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला तो ओनली 2 ट्रायंगल्स ही फॉर्म हो रही है। आगे देखो, अब इस क्वेश्चन का, इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जल्दी से दो, आप क्या आंसर होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 8 × 2, दैट इज इक्वल टू 16 ट्रायंगल्स बनने वाले। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया, कोई नहीं, 16 ट्रायंगल्स, 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें भी आप क्या चेक कर रहे हो, देखो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल्स एंड 5 × 2, दैट मीन आंसर क्या आएगा, 10 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, काउंट करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें इनको काउंट करने में, वैसे काउंट कर भी सकते हो आप। 5 ट्रायंगल्स हो गई, 5 के बाद में डायगनल के अकॉर्डिंग अपर साइड में 6, 7, 8, 9 और 8 ट्रायंगल कहाँ बच गई स्टूडेंट्स, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल बनेगी, 10 ट्रायंगल्स यहाँ पे टोटल फॉर्म हो रही है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, हाउ मेनी ट्रायंगल्स फॉर्मड इन दिस डायग्राम, कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है आप इस वीडियो को पॉज करके और जल्दी से आंसर दीजिए। अब इसमें देखो हम करते हैं, यहाँ पे आप अब तक जो पढ़ चुके हो वो ये है कि जब हम एक स्क्वायर में डायगनल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, तो वहां पे टोटल ट्रायंगल्स कितनी फॉर्म होती है, 1, 2, 3, 4 और 4 × 2, दैट मीन 8 ट्रायंगल्स यहां से फॉर्म हो गई, 4 × 2, 8 ट्रायंगल्स यहां से फॉर्म हो गई। अगर जिस बच्चे का क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर 16 है, वो टोटली रॉन्ग है, बिकॉज क्यों है रॉन्ग, यहाँ पे 8 यहाँ पे ट्रायंगल बन गई, 8 यहाँ पे ट्रायंगल बन गई, 16 हो गई है टोटल, बट जब हमारे पास कॉम्बिनेशन फिगर आया हुआ है तो कुछ ट्रायंगल्स और भी फॉर्म हो रही हैं, और वो ट्रायंगल्स कौन सी है ध्यान से देखो, ये कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल,
टू ट्रायंगल्स, अनदर ट्रायंगल्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से दो ट्रायंगल और न्यू ट्रायंगल फॉर्म हो गई। आप देखोगे ये ट्रायंगल और इधर से आपके पास ये ट्रायंगल, ये टू न्यू ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। इन टू न्यू ट्रायंगल्स के फॉर्म होने का मीनिंग 8 and 8 16 एंड 16 plus 2 = 18 ट्रायंगल्स टोटल यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कॉम्बिनेशन फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर के साथ में अटैच है एक ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, काउंट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके काउंट करो, अपना आंसर फाइंड आउट करो क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर। फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपने अभी सीखा कि जैसे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अराउंड जितनी भी ट्रायंगल्स होती हैं, जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, उन ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8 ट्रायंगल्स तो यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ से मिला हमको 8 multiply by 2 दैट इज इक्वल टू 16 ट्रायंगल्स तो हमको यहाँ से मिल गई। ओके 16 ट्रायंगल्स हो चुकी हैं। नाउ अब ये जो ट्रायंगल अपर साइड जो ट्रायंगल है, हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जब ट्रायंगल को वर्टेक्स से डिवाइड किया जाए, वर्टेक्स से आने वाली लाइन इसको डिवाइड करे तो नंबरिंग करके टोटल कर देते हैं, और वैसे काउंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे ये ट्रायंगल एंड कंप्लीट ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स हमको ये दे रहा है कंप्लीटली, तो 16 plus 3। बट अगर जिस भी स्टूडेंट ने 19 आंसर दिया है वो टोटली रोग है, बिकॉज जैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन करते हैं हमें कुछ कॉम्बिनेशन ट्रायंगल्स अलग से मिलती है वहां पे, और वो ट्रायंगल्स कौन सी हो गई यहाँ पे, ये ट्रायंगल और इस टाइप से देखो किस किस का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, स्टार एंड वन का कॉम्बिनेशन करके एक न्यू ट्रायंगल फॉर्म हो गई कॉम्बिनेशन के आते ही, और इस हैश एंड टू के कॉम्बिनेशन से एक न्यू ट्रायंगल आ गई हमारे पास। तो ये टू ट्रायंगल्स अनदर ट्रायंगल्स आ गई यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 and 3 16 यहाँ से मिली आपको, 8 to 16 थ्री ट्रायंगल्स यहाँ से मिल रही है, 19 होगी, 19 and 2 21 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आप वीडियो को पॉज करके कुछ टाइम के लिए इसको करके देखिए, आंसर चेक कीजिए कि कितना आंसर आ सकता है आपका। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा क्वेश्चन ये था, बस इसमें ये डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हमने 21 दिया था, 21 कैसे दिया था, 8 तो हमारी ये पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 multiply by 2 हमने 16, तो यहाँ से ट्रायंगल्स फॉर्म की, फिर हमने कहा था 3 ट्रायंगल्स यहाँ से आ रही है, ये कंप्लीट 1 2 and 3, यहाँ पे आप इसको हमने स्टार बोला था, ये हमारे हैश के नेम से हमने इसको डिनोट किया था, तो 3 ट्रायंगल्स आपको यहाँ से भी मिल रही थी, 3 ट्रायंगल्स तो 16 plus 3 19 ट्रायंगल, और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये कंप्लीट स्टार और वन मिला के ये ट्रायंगल देंगी, हैश और टू मिला के ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल और भी आ गई plus 2, तो 21 ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। बट ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, इसमें हम इस टाइप से ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ये ट्रायंगल इधर और आ गई। अब आप देखोगे जो चेंजमेंट है बस उसकी, लास्ट 21 जो ट्रायंगल्स है वो तो फॉर्म हो ही रही है, जो चेंजमेंट इस क्वेश्चन में उसको काउंट करेंगे हम, तो चेंजमेंट क्या, ये ट्रायंगल अनदर फॉर्म हो गई यहाँ पे, तो वन ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल आ गई हमारे पास, इस ट्रायंगल ने इस फिगर के साथ कंबाइन करके न्यू ट्रायंगल्स कौन सी फॉर्म की है उनको जस्ट काउंट कर लो। ये अपने आप में एक सिंगल ट्रायंगल है 1 21 के बाद में ये होगी 22। आफ्टर दैट इस ट्रायंगल ने 1 और 8 इन दोनों ने मिलकर एक ट्रायंगल को फॉर्म किया, तो हमारे पास 23rd ट्रायंगल आ गई, मींस यहाँ पे 3 ट्रायंगल अलग से आएंगी, 1 इसके साथ में कंबाइन करके 2, और ये कंप्लीट देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बन रही है इस टाइप से, ये ट्रायंगल, ये हमारे पास 3, इसी टाइप से ये ट्रायंगल भी अपने आप में यहाँ पे सिंगल ये ट्रायंगल है 1, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 और ये कंप्लीट, तो मींस इसने एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल्स बनाई है वो 6 ट्रायंगल्स फॉर्म किया है, और फिर एक ये कंबाइन जो ट्रायंगल हमारे पास ये भी है, तो कितनी होगी टोटल करते हैं अब हम, 8 multiply by 2 से 16 मिल गया हमको, 16 और 3 यहाँ से मिला, प्लस 2 ये ट्रायंगल स्टार और 1 को मिला के बनी थी 2 ट्रायंगल्स, और प्लस इस ट्रायंगल ने कितना फॉर्म किया, 3 अलग से ट्रायंगल फॉर्म की सिंगलली, 1 इसके साथ मिला के 2 और कंबाइन एक साइड से ये 3, और प्लस 3 आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, 1 इसके साथ कंबाइन 2 और ये 3, और प्लस कंप्लीटली जो हमारे पास ये ट्रायंगल है प्लस 1, तो इनका टोटल करो हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, कितना हो रहा है टोटल 16 19 21 and 21 and 3 24 27 28, सो 28 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स कितने बच्चों का राइट था वैसे,
ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखो आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जो भी कंसेप्ट आप तक करवाया है उन सभी कंसेप्ट को आप देखोगे तो उन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने अब तक जो कंसेप्ट सीखे वो ये है कि जब भी डायगोनल से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 × 2, इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर में हमारे पास 8 ट्रायंगल्स हैं। ऐसे ही 8 ट्रायंगल यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 8 × 4, 32 ट्रायंगल्स तो आपके पास डायरेक्ट आ गई जो आप इन स्क्वायर से फॉर्म कर रहे हो। After that, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर्स को कॉम्बिनेशन करके कॉम्बिनेशन से आपने ये सीखा भी था कि ये ट्रायंगल जो होती है स्क्वायर जब भी कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन से ये ट्रायंगल बनती है। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंबाइन करने से ट्रायंगल्स आ गई हमारे पास, तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे मिली। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 ट्रायंगल मिल गई तो नेक्स्ट 2 से भी कॉम्बिनेशन से 2 ट्रायंगल मिलेंगी, नेक्स्ट 2 के कॉम्बिनेशन से भी 2 ट्रायंगल मिलेंगे, तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ से कॉम्बिनेशन से, 2 ट्रायंगल्स इनके कॉम्बिनेशन से और 2 ट्रायंगल इनके कॉम्बिनेशन से, 2, 4 और 6 ट्रायंगल्स अनदर ट्रायंगल मिल गई आपको। सो 32 + 6 4 आ गई हमारे पास और यहाँ पे दोनों साइड ट्रायंगल्स जो हो रही है, देखो कंप्लीट ट्रायंगल और इसको वर्टेक्स से कट किया गया यहाँ पे एक लाइन से, तो 3 ट्रायंगल्स ये फॉर्म करके देगी और 3 ट्रायंगल्स यहाँ से फॉर्म होके मिलेंगे आपको, तो +6 टोटल कर दो स्टूडेंट्स कितना इजीली आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका। अगर आप इनको काउंट करोगे तो कभी काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। शॉर्ट मेथड से इनको हम इजीली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो आप टोटल करोगे आंसर क्या मिलेगा आपको, 32 + 6 = 38, 38 एंड +4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 44 इज द करेक्ट आंसर, 44 ट्रायंगल्स यहां पे फॉर्म हो रही हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप अपने आप करोगे, वैसे मैं करवाऊंगा जरूर अभी यहां पे, बट पहले वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को जरूर करके देखो आप, आपके कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होंगे, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर में नंबर आप सेट करते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, नंबर 4 तक की काउंटिंग यहाँ पे पोर्शंस में आप दे रहे हो। 4 × 8 करोगे, हमारे पास 8 ट्रायंगल्स आ गई अंदर से। अब आप इससे आगे चेक करोगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ने कितने ट्रायंगल्स फॉर्म किए स्क्वायर के साथ में, 1, 2 और 1 कंप्लीट, एक ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स को दे रहा है, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट जो, यहाँ से भी हमें 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे, यहाँ भी हमें 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे और यहाँ भी हमें 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे। टोटल कर दो स्टूडेंट 3, 4, 12 और 8 यहाँ से, तो 12 और 8 एंड दैट इज कम्प्लीटली आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 20 आंसर, दैट मीन 20 ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जिस बच्चे का 20 आंसर था बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखो कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है, ट्रायंगल्स फॉर्म करने के लिए वही सेम हमारे पास मेथड है, आप स्क्वायर देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, पहले कर चुके हैं हम इस टाइप को। सो 1, 2, 3 और 4 4 × 8 ट्रायंगल्स यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 8 ट्रायंगल्स यहाँ पे, 8 और 8 16 ट्रायंगल्स, प्लस आपके पास यहाँ ट्रायंगल देखो कितनी है ट्रायंगल्स, 1, 2 और कंप्लीट 3 ट्रायंगल्स हो रही है यहाँ पे, 3 + 1, 2 और कंप्लीट 3, क्या यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या और कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, यस हमने देखा था जो कॉम्बिनेशन होता है वहां से एक तो ट्रायंगल ये फॉर्म हो रही होती है, कॉम्बिनेशन से 1 एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रही होती है, 2 तो 16 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और प्लस 2 ट्रायंगल्स और मिल गई हमको। अब इससे आगे देखो क्या कोई और ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, यस इससे आगे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये ट्रायंगल कंप्लीट इसके साथ फॉर्म हो रही है, देखो 2, 3 एंड दिस ब्लैंक पार्ट, 4, 3 एंड दिस ब्लैंक पार्ट, 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे मिल गई +2 और इसी टाइप से इधर भी 1, 2 एंड दिस ब्लैंक पार्ट, 1 ट्रायंगल, 4, 1 एंड दिस ब्लैंक पार्ट, दिस ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल्स और भी फॉर्म हो रही है। टोटल कर दो स्टूडेंट्स इनका, ये हमारे पास टोटल आंसर आएगा क्या हो गया, 13, 6, 19 और 19 इन 22, 24, 26 और 28 इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर 28 था, बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो जब भी यहाँ हम एक शॉर्टकट सीखेंगे, पहले ही डायरेक्टली सुन लो क्या है शॉर्टकट, कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, जब तीनों वर्टेक्स से किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है वो आपकी, ये ट्रायंगल भी हो सकती है, जब किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड को टच किया जाए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले आपको, तो इसमें हमेशा 16 ट्रायंगल्स ही फॉर्म होती है। कितने ट्रायंगल फॉर्म होती है, ओनली 16 ट्रायंगल, काउंट करते चलो यहाँ पे कैसे 16 ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो काउंट करेंगे देखो स्टूडेंट्स, एक तो कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास 1 ट्रायंगल, ओके। आफ्टर दैट आपने सीखा था वर्टिकल लाइन का, जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो है कि वर्टिकल जब यहाँ वर्टेक्स से एक लाइन आती है तो ये पार्ट बनाएगी 1 एंड दिस 2,
टू पार्ट्स हो गए और कंप्लीट है यहाँ पे वो थ्री ट्रायंगल हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसके अकॉर्डिंग देखो वन एंड टू टू यहाँ से मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग वन एंड टू, तो यहाँ पे हर एक लाइन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स मिल गए हमको। तो टू टू एंड टू सिक्स एंड कंप्लीट सेवन, नंबरिंग देंगे हम एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन हो चुके हैं यहाँ तक। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेन और इलेवन के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल बनती है, फिर हमारे पास वन ट्रायंगल और बनती है 13 के बाद में 14, 15 एंड ये ट्रायंगल और आ गई हमारे पास 16, टोटल ट्रायंगल्स बनेंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक आज का जो हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल था, बट ये अलग से एक टाइप थी मेरे माइंड में थी, मैंने अभी आपको आपके साथ डिस्कस की। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ दिस टॉपिक, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।